भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले आ रहे सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,282 नए मामले आए सामने। 904 लोगों की हुई मौत। अमेरिका और ब्राजील में 55,100 और 54,685 मामले आए सामने। अहमदाबाद में गुरुवार तड़के हुआ बड़ा हादसा। श्रेया अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की हुई मौत, एक पैरा मेडिकल स्टाफ घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, परिवारों के प्रति जताई संवेदना। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से की बातचीत, सीएम ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। बारिश से बेहाल हुई मुंबई। लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। सिर्फ 12 घंटे में बारिश ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी मुंबई में तेज बारिश की दी चेतावनी। बिहार में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित। मरने वालों की संख्या हुई 19। राहत शिविरों में पहुँचाए गए 12,202 लोग। कोरोना संकट काल के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे आने वाले हैं। 12 बजे तक बैठक के नतीजों का हो सकता है ऐलान। इस बार रेपो रेट कटौती को लेकर अलग अलग तरह के लगाए जा रहे कयास।